अनुक्रमणिका भाग आई संघ और उसके क्षेत्र भाग टू नागरिकता भाग थ्री मूलभूत अधिकार भाग आई वी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग आई वी क मूल कर्तव्य भाग वी संघ अध्याय एक कार्यपालिका अध्याय टू संसद अध्याय थ्री राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अध्याय आई वी संघ न्यायपालिका अध्याय वी भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार भाग वाई राज्य अध्याय आई सामान्य अध्याय टू कार्यपालिका अध्याय थ्री राज्य विधानमंडल अध्याय आई वी राज्यपाल के विधायी अधिकार अध्याय वी राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय वाई अधीनस्थ न्यायालय भाग सेवन प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य भाग एट संघ राज्य क्षेत्र भाग आई एक्स पंचायत भाग आई एक्स ए नगर पालिकाएं भाग आई एक्स बी सहकारी सोसाइटियां भाग एक्स अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग इलेवन संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय आई विधायी संबंध अध्याय टू प्रशासनिक संबंध भाग ट्वेल्व वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अध्याय आई वित्त अध्याय टू उधार अध्याय थ्री संपत्ति संविदाएं अधिकार देयताएं बाध्यताएं और वाद अध्याय आई वी संपत्ति का अधिकार भाग थर्टीन भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम भाग फोर्टीन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अध्याय आई सेवाएं अध्याय टू लोक सेवा आयोग भाग फोर्टीन का अधिकरण भाग फिफ्टीन निर्वाचन भाग सिक्सटीन कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग सेवनटीन राजभाषा अध्याय आई संघ की भाषा अध्याय टू क्षेत्रीय भाषाएं अध्याय थ्री उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय आई वी विशेष निर्देश भाग एटीन आपात उपबंध भाग नाइनटीन प्रकीर्ण भाग एक्स एक्स संविधान के संशोधन भाग ट्वेंटी वन अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग ट्वेंटी टू संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुसूचियां पहली अनुसूची आई राज्य टू संघ राज्य क्षेत्र दूसरी अनुसूची भाग का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध भाग ख निरसन भाग ग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध भाग घ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध भाग ड भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध भाग क साधारण भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण भाग घ अनुसूचित क्षेत्र भाग घ अनुसूची का संशोधन छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान सातवीं अनुसूची सूची संघ सूची सूची टू राज्य सूची सूची थ्री समवर्ती सूची आठवीं अनुसूची भाषाएं नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार प्राधिकार और दायित्व बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार तथा दायित्व आदि भाग आई संघ और उसके क्षेत्र वन संघ का नाम और राज्य क्षेत्र टू नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना टू का निरसन थ्री नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन फोर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिनामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 नागरिकता 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना भाग 3 मूलभूत अधिकार साधारण 12 परिभाषा 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां समता का अधिकार 14 विधि के समक्ष समानता 15
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17. अस्पृश्यता का अंत। 18. उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। 19. वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23. मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25. अंत करण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28. कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31. निरसन सांविधानिक उपचारों का अधिकार। 32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 32A. निरसन। 33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। भाग IV. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36. परिभाषा। 37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39A. समान न्याय और नी शुल्क विधिक सहायता। 40. ग्राम पंचायतों का संगठन। 41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43A. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43B. सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। 44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45. बालकों के लिए नी शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48. कृषि और पशुपालन का संगठन। 48B. पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। 51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग IV का मूल कर्तव्य। 51A. मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह A. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। B. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। C. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। D. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। A. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। F. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। G. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। H. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। J. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। के यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। भाग V. संघ अध्याय I.
कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52, भारत के राष्ट्रपति 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 56, राष्ट्रपति की पदावधि 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 63, भारत का उपराष्ट्रपति 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयत 72, क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्री परिषद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी 76, भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अध्याय 2, संसद साधारण 79, संसद का गठन 80, राज्यसभा की संरचना 81, लोकसभा की संरचना 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 83, संसद के सदनों की अवधि 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन 86, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार संसद के अधिकारी 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 93, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते 98, संसद का सचिवालय कार्य संचालन 99, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 100, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्त सदस्यों की निरर्हताएं 101, स्थानों का रिक्त होना 102, सदस्यता के लिए निरर्हताएं 103, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 104, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्र संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया 107, विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 110, धन विधेयक की परिभाषा 111, विधेयकों पर अनुमति, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 112, वार्षिक वित्तीय विवरण 113,
संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 114, विनियोग विधेयक 115, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 116, लेखानुदान प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान 117, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध साधारणतया प्रक्रिया 118, प्रक्रिया के नियम 119, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123, संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय आईवी, संघ की न्यायपालिका 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 125, न्यायाधीशों के वेतन आदि 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 131A, निरसन 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 133, उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 134, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 134A, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र 135, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन 138, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना 139A, कुछ मामलों का अंतरण 140, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय 144A, निरसन 145, न्यायालय के नियम आदि 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 147, निर्वचन। अध्याय वी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद विवरण 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप 151, संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग वाई, राज्य। अध्याय आई, साधारण अनुच्छेद विवरण 152, परिभाषा। अध्याय 2, कार्यपालिका राज्यपाल 153, राज्यों के राज्यपाल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 155, राज्यपाल की नियुक्ति 156, राज्य की पदावधि 157, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्री परिषद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद 164, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाविधवक्ता 165, राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3, राज्य का विधान मंडल, साधारण 168, राज्यों के विधान मंडलों का गठन 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन 170,
विधान सभाओं की संरचना 171 विधान परिषदों की संरचना 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि 173 राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता 174 राज्य के विधान मंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार राज्य के विधान मंडल के अधिकारी 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तत्सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते 187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय कार्य संचालन 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्त सदस्यों की निर्हरताएं 190 स्थानों का रिक्त होना 191 सदस्यता के लिए निर्हरताएं 192 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 194 विधान मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायी प्रक्रिया 196 विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 199 धन विधेयक की परिभाषा 200 विधेयकों पर अनुमति 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 202 वार्षिक वित्तीय विवरण 203 विधान मंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 204 विनियोग विधेयक 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 206 लेखानुदान प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध साधारणतया प्रक्रिया 208 प्रक्रिया के नियम 209 राज्य के विधान मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 210 विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 211 विधान मंडल में चर्चा पर निर्बंधन 212 न्यायालयों द्वारा विधान मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अध्याय आईवी राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति अध्याय वी राज्यों के उच्च न्यायालय 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 216 उच्च न्यायालयों का गठन 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 224
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224A। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 225। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 226। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226A। निरसन 227। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 228। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण 228A। निरसन 229। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 230। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 231। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय वाई अधीनस्थ न्यायालय 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233A। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण 234। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 235। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 236। निर्वचन 237। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य 238। निरसन भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239A। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन 239A। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239AB। सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 239B। विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति 240। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 242। निरसन भाग एक्स पंचायत 243। परिभाषाएं 243A। ग्राम सभा 243B। पंचायतों का गठन 243C। पंचायतों की संरचना 243D। स्थानों का आरक्षण 243E। पंचायतों की अवधि आदि 243F। सदस्यता के लिए निरर्हताएं 243G। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243H। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां 243I। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243J। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243K। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243L। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243M। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243N। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 243O। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन भाग एक्स ए। नगर पालिकाएं 243P। परिभाषाएं 243Q। नगर पालिकाओं का गठन 243R। नगर पालिकाओं की संरचना 243S। वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना 243T। स्थानों का आरक्षण 243U। नगर पालिकाओं की अवधि आदि 243V। सदस्यता के लिए निरर्हताएं 243W। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243X। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां 243Y। वित्त आयोग 243Z। नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 243ZA। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन 243ZB। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243ZC। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243ZD। जिला योजना के लिए समिति 243ZE। महानगर योजना के लिए समिति 243ZF। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना 243ZG। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन भाग XB। सहकारी सोसाइटियां 243ZH। परिभाषाएं 243ZI। सहकार सोसाइटियों का निगमन 243ZJ। बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि 243ZK। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन 243
ZL, बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध 243, ZM, सहकारी सोसाइटियों के लेखों की संपरीक्षा 243, ZN, साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना 243, ZO, सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार 243, ZP, विवरणिया 243, ZQ, अपराध और शास्तियां 243, ZR, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना 243, ZS, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243, ZT, विद्यमान विधियों को लागू होना भाग X, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244, A, असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I, विधायी संबंध विधायी शक्तियों का वितरण 245, संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार 246, संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति 248, अवशिष्ट विधायी शक्तियां 249, राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि 251, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 254, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 255, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना अध्याय 2, प्रशासनिक संबंध साधारण 256, राज्यों की ओर संघ की बाध्यता 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 257A, निरसन 258, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति 258A, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति 259, निरसन 260, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता 261, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां, जल संबंधी विवाद 262, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन राज्यों के बीच समन्वय 263, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अध्याय आई वित्त साधारण 264, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना 265, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना 266, भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे 267, आकस्मिकता निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण 268, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क 269, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर 270, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण 271, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 272, निरसन 273, जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान 274, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा 275, कुछ राज्यों को संघ अनुदान 276, वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर 277, व्यावृत्ति 278, निरसन 279, शुद्ध आगम आदि की गणना 280, वित्त आयोग 281, वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय 283,
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 298 कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय। 291 निरसन अध्याय 2 उधार लेना। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद। 294 कुछ दशाओं में संपत्ति अस्थियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति अस्थियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविदाएं। 300 वाद और कार्यवाहियां अध्याय आईवी संपत्ति का अधिकार। 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम। 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 निरसन। 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अध्याय आई सेवाएं। 308 निर्वचन। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312A कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसहृत करने की संसद की शक्ति। 313 संक्रमण कालीन उपबंध। 314 निरसन अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का अधिकरण। 323A प्रशासनिक अधिकरण। 323B अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 धर्म मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328
किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329A निरसन भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 आंगल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिकी अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियां। 342 अनुसूचित जनजातियां भाग 17 राजभाषा अध्याय संघ की भाषा। 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय IV विशेष निदेश। 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350B भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश। भाग 18 आपात उपबंध। 352 आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359A निरसन। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण। 361A संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण। 361B लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। 362 निरसन। 363 कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363A देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 367 निर्वचन भाग XX संविधान के संशोधन। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371B असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371C मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371D आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371G मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371H अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371I गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371J कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372A विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। 378A आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379-391 निरसन। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 393 संक्षिप्त नाम। 394 प्रारंभ। 394A हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 395 निरसन।